यूजर क्लाइंट एंड आपसे ये बात करना चाहेंगे हम आपकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग कैसी रही आपकी जर्नी इलाहाबाद से लेके मुंबई, मुंबई में आपने इतना नाम कमा रही हैं, अब क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी जर्नी रही बट बहुत पेनफुल भी रहती है क्योंकि इलाहाबाद की बहुत याद आती है और स्पेशली इलाहाबाद के खाने की बहुत याद आती है। आई थिंक कोई भी स्मॉल टाउन मुझसे रिलेट कर पाएगा जो रहते हैं, एंड इलाहाबाद का खाना इज़ टू गुड, बट द जर्नी हैज़ बीन ब्यूटिफुल और बहुत अच्छा लगता है कि यू नो हम यहाँ तक पहुँच गए एंड हम अपने इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का नाम रोशन कर रहे हैं। सो बहुत अच्छी फीलिंग है, बट हाँ मेहनत है बहुत और बहुत पेशेंस चाहिए, बट फिर टाइम ऑल्सो फ्लाइज, सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। रोशनी जी, स्ट्रगल्स के बारे में बात की जाए तो क्या स्ट्रगल्स आपको देखनी पड़ी यहाँ पे, या पेरेंट्स की तरफ से क्या? पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट था। स्ट्रगल आई थिंक शिफ्ट होने की है, क्योंकि अगर बॉम्बे के 100 रुपये इलाहाबाद के लिए 1,000 रुपये हैं, तो ऑफकोर्स बहुत स्ट्रगल होती है शिफ्ट होने में। आपको अपनी पूरी लाइफ, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी पूरी लाइफ यू नो छोड़ के एक नई लाइफ स्टार्ट करनी पड़ी, तो थैंक्स टू माय एंटायर फैमिली हु इज़ ऑलवेज सपोर्टेड। बट फिर यू नो स्ट्रगल के सामने सपना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड जब आपके सपने पूरे होते हैं और आप देखते हो कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो फिर वो स्ट्रगल्स बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो जितने भी ऑडिशंस के लिए वेट किया है, लाइनों में खड़ी हुई हो, खून पसीना बहाया है शिफ्ट होने में, हर चीज़ में, वो सब वर्थ इट है जब आप देखते हो कि अब आप यहाँ आ गए। हाँ आई थिंक मैं दोनों कर चुकी हूँ एंड दोनों जर्नी बहुत ही डिफरेंट हैं, बट मेरे हिसाब से जो प्यार आपको टेलीविज़न से मिलता है और जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है, और क्योंकि आप हर घर के यू नो टीवी पे आते हो ये टाइम पे, पूरी फैमिली बैठ के हर रोज़ साथ में देखती है और कोई भी देख सकता है, सो वो बहुत प्यारी चीज़ है, क्योंकि वो आपको खुद का मानते हैं और जब भी फिर वो आपको मिलते हैं तो आपको अपने बच्चों जैसे समझते हैं, अपनी फैमिली जैसे समझते हैं, और वो कैरेक्टर से इतना कनेक्ट हो जाते हैं, तो टेलीविज़न का प्यार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ मैं फिर। रियलिटी शोज़ की बात की जाए तो कितना इंटरेस्ट रियलिटी शोज़ मैं बिग बॉस ज़रूर देखती हूँ, बट मुझे पता है मैं बिग बॉस खुद कर नहीं सकती, बट हैट्स ऑफ टू एवरीवन जो बिग बॉस में गया है और यू नो अपनी सब छोड़ के, मैं तो बिना फ़ोन के रह नहीं सकती, मुझे कुछ होने लगेगा, और बिना फैमिली के, बट उनको देख के बहुत अच्छा लगता है, और वो लोग इतना हार्डवर्क और फोकस चाहिए और कॉम्पिटिशन है बिग बॉस में, तो रियली नाइस। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा मीडियम है, तो क्या हम आगे कोई वेब सीरीज में देख सकते हैं? यस, बहुत जल्दी आई थिंक ओटीटी मेरी लिस्ट में है। मैंने ऑलरेडी एक शो किया है 0 किलोमीटर्स फॉर यू नो Z5, सो ओटीटी इज़ डेफिनेटली इन माई लिस्ट एंड आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस मोर ऑफ ओटीटी बिकॉज इट्स सो डिफरेंट फिल्म और टेलीविजन से, तो मुझे डेफिनेटली वो ट्राई करना है। खतरों के खिलाड़ी की बात की जाए अगर, तो खतरों के खिलाड़ी फॉलो कर रही हैं आप? हाँ हाँ मैं कर रही हूँ फॉलो ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें मेरी फ्रेंड है जन्नत है, एंड शी इज़ लाइक माय फैमिली पर्सन, सो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ, एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबडी हु इज़ इन खतरों के खिलाड़ी। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए ये सब करने के लिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ पर मुझे कॉकरोचेस से दूर रखना बस। और सिद्धार्थ निगम की बात की जाए, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और मतलब कि अभी सलमान खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो कुछ कहेंगे उनके बारे में क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम रियली प्राउड, मुझे पता भी नहीं था, ये मुझे अभी पता चल रहा है, इसके बाद मैं सिद्धार्थ को कॉल करके डांटूंगी कि उसने इतनी बड़ी न्यूज़ बताई नहीं, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ सिद्धार्थ, वो भी इलाहाबाद का है, और दोनों सिद्धार्थ एंड अभिषेक बहुत हार्डवर्क करते हैं, अपनी मॉम को इतना रिस्पेक्ट करते हैं और इतना प्यार करते हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है, तो आई होप सारे जो हमारी जेनरेशन के लड़के हैं वो सिद्धार्थ से इंस्पायर हों, क्योंकि वो बहुत हार्डवर्क करता है, एंड आई थिंक मैंने इतनी मेहनत करते हुए बहुत ही कम लोगों को देखा है जितना वो करता है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स मतलब कि इतना आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं और इतना प्यार मिलता है आपको, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में, और जब ट्रोल होती है तो क्या कहेंगे? ट्रोल तो होना ही है, यू नो लोगों का काम है कहना, और ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सब आपको यू नो सभी आपको पसंद करें और सभी आपको प्यार करें, तो
तो दैट्स ओके, थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है कभी कभी, बट वैसे ठीक है, इट्स नाइस. जितना प्यार मिलता है वो बहुत अच्छा है. एंड मैं तो सबको यही कहती हूँ कि यू नो, आपको अपने फॉलोअर्स पे और ट्रोल्स पे और यू नो इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये होता है और कभी ये नहीं होता. तो आप अपनी लाइफ में काम करो, हार्डवर्क करो और उससे ज़्यादा खुश हो. ठीक है. हाँ, डन. सोशल मीडिया पर इतने फॉलोवर्स हैं, इतना प्यार मिलता है, पर ट्रोलिंग जो होती है तब उस पर क्या कहेंगे आप? ट्रोलिंग तो होती ही रहेगी, लोगों का काम है कहना. ऑल्सो आपको बहुत प्यार मिलता है सोशल मीडिया से, और हेट भी मिलती है, क्योंकि सब आपको पसंद नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं थोड़े लोगों को आप नहीं पसंद आओगे, एंड दैट्स ओके. यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू लाइक यू, बट सोशल मीडिया पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए. लाइफ में बहुत कुछ करना है और बहुत नाम कमाना है. एंड आई होप सारे मैं जनरेशन के लोगों को यही कहूँगी कि सोशल मीडिया से इतना स्ट्रेस मत लो कि यू नो मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, या ये लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे. तो ये कभी होगा और कभी नहीं होगा. तो बस अपने आप पे ध्यान दो और अपने आप से खुश रहो और खूब हार्डवर्क करो. अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, जैसे ही कुछ आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, डेफिनेटली. ओके, ये